दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लौकी मुठिया। इसे बहुत ही कम तेल में स्टीम करके बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है, तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। लौकी मुठिया बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे हाफ कप गेहूँ का आटा, हाफ कप सूजी, हाफ कप बेसन, एक कप कद्दूकस किया हुआ लौकी, दो हरी मिर्च, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, चुटकी भर हींग, चुटकी भर बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल, आधा नींबू का रस और 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, लौकी के जूस से ही डो तैयार हो जाएगा। अब हाथों में थोड़ा ऑयल लगाकर डो को 3 भाग में बांटेंगे। अब सभी लोई को लंबा शेप देंगे। इन्हें अब हमें स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने स्टीमर को प्रीहीट कर लिया है। अब इसे ग्रीस करेंगे और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। जब तक यह स्टीम हो रहा है, हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मिक्सी के जार में डालेंगे धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 4 से 5 काजू, 2 टीस्पून दही और नमक। इसे पीस लेंगे। ये लीजिए, चटनी तैयार है। अब मुठिया को भी चेक कर लेते हैं। स्क्यूअर सारे मुठिया से साफ निकला है, मतलब यह कुक हो गया है। फिर भी मैं इसे 2 से 3 मिनट और स्टीम करूंगी, जिससे मुठिया अच्छे से पक जाए। अब इसे स्टीमर से निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे कट कर लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक पैन को गर्म करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा और 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल। इसे मिक्स करेंगे। अब लौकी मुठिया को डालकर मिक्स करेंगे। इन्हें थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे, फिर इसमें धनिया का पत्ता डालकर मिक्स करेंगे। ये लीजिए, हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स लौकी मुठिया रेडी है। इसे चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो लग रहे हैं नया टेस्टी, इसे आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा बना।